तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस रिलेशनशिप, एक्सेस रिलेशनशिप क्यों यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, सब देखेंगे। ठीक है, एक्सेस रिलेशनशिप के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले इसका फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ। एक्सेस लिस्ट देखेंगे आज, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है, ACL। ACL भी बोलते हैं इसको, शॉर्टकट। बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके क्या यूज है, क्यों यूज की जाती है? इट इज यूज्ड टू कंट्रोल इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक। बताओ ये क्या है। सेकंड, और कौन कौन सी इसके कौन कौन सी ACL होती है आपकी? तो थ्री टाइप्स होते हैं, स्टैंडर्ड ACL, सेकंड एक्सटेंडेड ACL, नेम्ड ACL। ठीक है, ये देखो, इट इज यूज टू कंट्रोल इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक। जो भी इधर ट्रैफिक फ्लो होगा, जो भी यहाँ ट्रैफिक फ्लो होगा, तो इनकमिंग आउटकमिंग डायरेक्शन में फ्लो होगा। भाई राउटर पे अगर होस्ट से ट्रैफिक आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, इस राउटर पे इन होगा ना, ये देखो, ये कोई राउटर है, ये स्विच है, क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं क्या बता रहा था, ये कोई राउटर है, ये स्विच है, और इधर कोई होस्ट है 10.1.1.1। ठीक है, अब इसको क्या करना है, गूगल का सर्वर रीच करना है, फिर जीमेल रीच करनी है। ठीक है, इसको क्या करना है, जीमेल यूज करनी है। तो ट्रैफिक निकलेगा यहाँ से, ठीक है, ट्रैफिक कहाँ से जनरेट होगा, इस होस्ट से। किसकी तरफ जाएगा, स्विच की तरफ, राउटर की तरफ पहुंचेगा। तो यहाँ पे इस वाले इंटरफेस पहुंचेगा, तो इस वाले इंटरफेस पे क्या हुआ, ट्रैफिक इन हुआ ना, इनकमिंग हुआ ना, इन ट्रैफिक हुआ, ये हो गया इन, जो ट्रैफिक राउटर पर आएगा। ठीक है, ये हुआ इन ट्रैफिक राउटर। ठीक है, अब राउटर क्या करेगा, फिर राउटिंग टेबल से लुकअप वगैरह करेगा, डेस्टिनेशन तक देखेगा, रीच क्या है, इंटरनेट तो कुछ गूगल के भी है। ठीक है, तो जो भी है उसके राउटिंग टेबल में पड़ा हो, लुकअप वगैरह लगाएगा। ठीक है, और उसको क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा। अब तो जो इसकी कनेक्टिविटी है किसी राउटर के साथ, एग्जिट करने के लिए एग्जिट इंटरफेस जुड़ता है, तो इस वाले इंटरफेस से टूटेगा। यहाँ से ट्रैफिक क्या हो रहा है भाई, इस R1 राउटर से आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आउट हो रहा है, यहाँ पे इन राउटर पे, एक तो ट्रैफिक आएगा और सेकंड फिर जाएगा, इन और आउट दोनों होते हैं। ठीक है, इन और आउट दोनों होते हैं। तो इसी इन जो इनकमिंग है आउटगोइंग है, ठीक है, इनकमिंग है आउटगोइंग डायरेक्शन में ट्रैफिक जा रहा है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ACL। विद द हेल्प ऑफ ACL आप इनकमिंग एंड आउटकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। कोई दिक्कत है इसमें, कोई डेफिनेशन समझ में कोई दिक्कत? ACL क्या करती है, आपके इनकमिंग एंड आउटगोइंग डायरेक्शन में जो ट्रैफिक फ्लो होता है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। क्लियर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया,
आप ध्यान से समझना इस बात को, छोटी सी बात है, क्लियर हो जाएगा तो पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा इसका। ये मेरा क्या है, कोई लैंड एनवायरनमेंट है, यहाँ पे मल्टीपल चीज है, H2 भी है और H3 भी है, ठीक है। ये कोई लोकेशन है, ए लोकेशन, बी लोकेशन पे भी कुछ है मेरा, ये स्विच है, राउटर है, और इधर भी मेरे कुछ होस्ट है H4 H5, और यहाँ पर मेरा एक सर्वर भी लगा हुआ है, कुछ प्रो FTP का कोई सर्वर है, ठीक है। और ये कौन सी साइट है, बी साइट है, ठीक है। अब इनको कनेक्टिविटी करनी है ए और बी की, तो आपस में एक राउटर और आगे बीच में कनेक्टिविटी कुछ ऐसी होगी, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है। डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है, राउटर का पार्ट। चलो ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अब ये ट्रैफिक है ना वो कंट्रोल करना है। आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी आ सकती है, सपोज करो यहाँ पर 10.1 है, 10.2, 10.3, इधर है 30.1, और ये 30.100, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी आ सकती है कि 10.3 इस सर्वर को पिंग ना कर पाए, ठीक है। तो FTP सर्वर है 10.3 है, और जो FTP सर्वर है 30.100 तक ये क्या करना पाए, एक्सेस ना कर पाए, और 10.1 10.2 यूज कर ले इसको, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। देखो इस एनवायरनमेंट में तीन यूजर बैठे हैं, ये तीन यूजर बैठे हैं, अब इनमें से एक यूजर आपको, एक यूजर का एक्सेस नहीं देना चाहते सर्वर का, ठीक है। ये दो यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन H3 है ना ये यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, जो ये तीन यूजर्स है ना, तीन में से एक यूजर 10.1, 10.1 का कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए 30.1 के साथ, इसके साथ नहीं होना चाहिए, 30.2 के साथ भले ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, तो 10.1 है ये, ना तो 30.1 के साथ टीच करवाए, ना 30.2 के साथ, सिर्फ सर्वर के साथ, आप ही कंडीशन है, किसी के साथ भी इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ACL, ठीक है। अब ACL आप कैसे लगाओगे, कैसे कंट्रोल करोगे, तो उसके लिए आपके पास कितने मेथड है, तीन मेथड है, ठीक है। तो ये ट्रैफिक कंट्रोलिंग के लिए आपके पास कितने मेथड है, तीन मेथड है। नंबर वन मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड, सेकंड एक्सटेंडेड, थर्ड नेम्ड ACL। इन तीनों के अपने अपने ही कुछ फीचर्स हैं, वो देखेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं फिर स्टैंडर्ड ACL। इसमें कुछ फीचर था वो लिखा देता हूँ मैं, इट इज यूज टू फिल्टर ऑल नेटवर्क सर्विसेज। सेकंड पॉइंट आप इसमें कह सकते हो, फिल्टरिंग क्राइटेरिया सोर्स आईपी। नंबर थर्ड, इम्प्लीमेंट नियर टू द डेस्टिनेशन और इसकी कुछ रेंज होती है 1 to 99 एंड 100, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड ACL से देखेंगे कुछ टास्क, तो स्टैंडर्ड देखो इन तीनों के अपने ही कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, सबका अपना अपना नेचर होता है, तो वो देखते हैं स्टैंडर्ड ACL में क्या होता है। स्टैंडर्ड ACL में
स्टैंडर्ड रेशियल में क्या होता है, देखो इट इज यूज टू फिल्टर ऑल द नेटवर्क सर्विसेज। इसमें क्या होता है, नेटवर्क की सारी सर्विस, इसमें नेटवर्क की सारी सर्विस फिल्टर की जाती है। अगर कहीं भी आप स्टैंडर्ड एसीएल लगाओगे, कहीं पे आप स्टैंडर्ड एसीएल लगाओगे किसी भी राउटर पर, तो वो क्या करेगी, सारी सारी सर्विस ब्लॉक कर देगी उसके लिए। मतलब किसी ना किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए लगाओगे ना भाई, कि एसीएल करती क्या है, कंट्रोल करती है ट्रैफिक को। ट्रैफिक कंट्रोल करना तो कोई ना कोई आपको आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा उधर, ठीक है, कौन सा नेटवर्क के लिए कंट्रोल करना है आपको, तो वो क्या करेगा उसके लिए जितनी भी सर्विसेज है ना वो ब्लॉक कर देगा। तो इसको कहने का क्या मतलब है, ये लाइन ध्यान से समझो। ये देखो, अभी क्या करोगे, आप स्टैंडर्ड एसीएल लगा रहे हो, ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ पर इधर कोई सर्वर है, ठीक है, टीएफटीपी सर्वर, एक और सर्वर है एचटीटीपी सर्वर है, एक डीएनएस सर्वर है, और भी सर्वर हो सकते हैं दुनिया भर के। तो आप ये चाहते हो जो 10.2 है वो रीच ना कर पाए एफटीपी को, ठीक है, और आपको क्या बोला है, आपको यूज करनी है स्टैंडर्ड एसीएल, आपको यूज करनी है स्टैंडर्ड एसीएल। अगर आप स्टैंडर्ड एसीएल से ही टास्क करोगे तो वो क्या करेगी, सारी सारी सर्विस ब्लॉक मार देगी। मतलब आप एफटीपी के लिए कराना चाहते हो तो इसको भी ब्लॉक मारेगी, एचटीटीपी को कर देगी, टीएनएस को कर देगी, और साथ ही साथ इनको भी कर देगी। मतलब पूरे नेटवर्क को ही, पूरे नेटवर्क की सारी सर्विस क्या कर देती, ब्लॉक कर देती स्टैंडर्ड एसीएल, ठीक है, इसका कहने का मतलब ये। ऑल नेटवर्क सर्विसेज को क्या कर देती, फिल्टर कर सकती है। और फिल्टरिंग क्राइटेरिया क्या है, वो आईपी एड्रेस से मैं अभी आपको बताऊंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा। इम्प्लीमेंट कहाँ होती है, नियर टू द डेस्टिनेशन। इसका कहने का क्या मतलब कि ये 10.2 है, ठीक है, 10.2 आप ये चाहते हो कि 10.2 एफटीपी सर्वर को रीच ना करे, ये वाले सर्वर को रीच ना करे। तो डेस्टिनेशन क्या है, ये सर्वर है, डेस्टिनेशन क्या सर्वर है, सर्वर के नजदीक राउटर कौन सा है, ये वाला, ठीक है, तो इस राउटर पे आप लगाओगे ये स्टैंडर्ड एसीएल किसके लिए, 10.2 के लिए, रीच ना कर पाए किसको, टीवी सर्वर, ये एक वाली कंडीशन का लगाओगे, नियर टू द डेस्टिनेशन, नियर टू द डेस्टिनेशन लगती है हमेशा स्टैंडर्ड एसीएल। ऐसा नहीं है कि आप इसको कहीं और लगा नहीं सकते, लगा सकते हो लेकिन उससे प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या आएंगी मैं आपको बताऊंगा। आप कहीं भी लगा सकते हो इसको, लेकिन बाकी चीजों को हैम्पर ना करे, बाकी चीजों को इम्पैक्ट ना करे, तो क्या करोगे, नियर टू द डेस्टिनेशन ही लगाओगे, ठीक है, नियर टू द डेस्टिनेशन। देखो होता क्या है, जैसे ठीक है, अभी देखो नियर टू द डेस्टिनेशन लगाओगे आप R3 पे, R3 पे क्या बनाओगे, एक ACL बनाओगे, ठीक है, उसमें 10.1 के लिए, 30.1 और 30.100 के लिए क्या करोगे, ब्लॉक करता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड एसीएल क्या करती है, बाय डिफॉल्ट सारी सर्विस को क्या करती है, ऑल सर्विस को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, ठीक है। तो होगा क्या, देखो अभी फ्लो समझ लो, ये कोई होस्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ स्विच हो सकता है आपका होस्ट से आगे, तो ट्रैफिक कहाँ जाएगा, R1 के पास जाएगा, ठीक है, उसको पिंग भी करना है 30.1 को, ठीक है, और आपने एसीएल लगा दी, अब वो पिंग कर रहा, तो होगा क्या, ये जो एच है होस्ट है, या फिर ट्रैफिक जनरेट होगा और R1 के पास पहुँचेगा, ठीक है, R1 में राउटर टेबल लुकअप करेगा,
वो क्या कर रहे हैं, R2 की तरफ पहुंचा देगा, ठीक है। और सब कुछ करने की राउटिंग टेबल मेंटेन है, ठीक है, राउटिंग की हुई है, अपने आप ही राउटिंग की हुई है। R2 क्या करेगा, अगेन डेस्टिनेशन लुकअप करेगा कि भाई 30.1 के लिए जाना है तो कैसे कैसे जाना है, R3 के बाद जाना, ठीक है। R3 को लुकअप करेगा, ठीक है, वो देखेगा 30.1 है किधर है, देखेगा इस वाले इंटरफेस में ऐसा एग्जिट होना है। अब जब भी वो एग्जिट होगा ना, एग्जिट इंटरफेस ही ढूंढता राउटर, एग्जिट होने वाला होगा, तो एग्जिट होने में जब इस वाले इंटरफेस पे क्या होगी, एक ACL होगी, ठीक है। इस वाले इंटरफेस पे क्या करोगे, PCL लगाओगे आउटगोइंग, ठीक है। इस वाले इंटरफेस पे क्या करोगे, क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक आउट ही तो हो रहा है, R3 पे आया अब 30.1 तक पहुंचेगा, तो आउट ही तो होगा, यहाँ से तो आउट होगा तभी तो पहुंचेगा 30.1 तक, ठीक है। तो आप यहाँ पे ACL लगाओगे, ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन में, आउटगोइंग डायरेक्शन में। इसमें आप क्या बोलोगे कि अगर आपके पास सोर्स क्या है, 10.1, 10.1 से कुछ भी डेटा है उसको क्या कर दो, ब्लॉक कर, ठीक है। 10.1 से कोई भी डेटा है तो क्या कर दो, ब्लॉक कर, ठीक है। 10.1 से कोई भी डेटा है तो क्या कर दो, ब्लॉक कर दो, तो वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। वो ये नहीं देखेगा कि अच्छा यहाँ पर 30.1 है, इससे आगे कोई सर्वर है, यहाँ पे आपकी FTP सर्विस चली है और DNS भी चला हुआ है और भी HTTP सर्विस चली हुई है, तो सारी सारी सर्विस को क्या करता है, ब्लॉक कर देगा। वो देखेगा सोर्स क्या है, 10.1, यहाँ से एग्जिट होना है, इस वाले इंटरफेस पे ACL लगी हुई है, 10.1 को ब्लॉक मारना है, ठीक है, ब्लॉक मारो, तो कुछ देखना ही नहीं है, सीधे ब्लॉक मारो, ठीक है। तो ऐसे वर्क करता है। अगर आपने होगा क्या, आपने क्या, आप अभी तो कह सकते हो कि अगर मैं इसको RNP लगा दूँ तो क्या होगा, चलो वो भी देख लो, R1 पे लगा दोगे तो क्या होगा, आप लगा सकते हो नो डाउट, ठीक है। R1 पे आप लगा रहे हैं कि 30.100 को रीच ना करें, अभी कोई 30.100 है ये सर्वर को रीच ना करें। अब आपने क्या किया, या तो इस इनकमिंग पे लगाओ या फिर आउट आउटगोइंग पे लगाओ, या तो यहाँ लगा दो यहाँ लगा दो, ठीक है। R1 पे आप क्या करोगे, सपोज करो आपने क्या किया, इनकमिंग पे लगा, ठीक है, इनकमिंग में आपने लगा। अब R1 के पास कुछ भी डेटा आएगा ना 10.1 से, कुछ भी, उसको क्या कर देगा, वो ब्लॉक कर देगा, आगे लेके नहीं जाएगा, ठीक है, आगे लेके नहीं जाएगा। फिर आप आउटगोइंग पे भी लगा सकते हो कि R1 से कोई भी डेटा आउट हो, कहाँ से, 10.1 से, जिसका सोर्स 10.1 हो, तो वो बाहर ही ना जाए, ठीक है, वो यहाँ निकले ही ना। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि R1 भी जब हिट करे तो वो ड्रॉप हो जाए पैकेट, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो। तो होगा क्या, वो पैकेट यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। आपकी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, आपकी कंडीशन क्या थी, आपका टारगेट क्या था, 30.1 ये था ना, R2 तो नहीं था, और R2 के पास भी ट्रैफिक नहीं था, क्या पता R2 पे हमें कोई होस्ट आने वाला हो 20.1.1, ठीक है। आप इसकी रीचेबिलिटी चाहते हो, अब आपने यहाँ इन या आउट पे लगा दी तो ट्रैफिक यहीं ड्रॉप हो गया, आगे जाएगा नहीं, यहीं फिल्टर हो गया। तो आप क्या करते हो, ऐसे किसी से बचने के लिए क्या करते हो, सिंपल नियर टू द डेस्टिनेशन लगा देते हो। नियर टू द डेस्टिनेशन क्यों, क्योंकि ये सारी सर्विस ब्लॉक करता है, प्रॉब्लम ये इसमें, अगर कोई इसमें पर्टिकुलर सर्विस ब्लॉक करता है जो जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है, सपोज कर आपको DNS ब्लॉक कराना, लेकिन ये DNS के सारी सर्विस ब्लॉक कर देता है, जितनी भी सर्विस है, ICMP है, पिंग पिंग है, HTTP है, FTP है, सारी की सर्विस सर्विस ब्लॉक करेगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है आप चूज कर सको, तो इसमें यही प्रॉब्लम थी कि सारी सारी सर्विस को ब्लॉक करता है। अब आपको तो ऐसा चाहिए ना कि भाई अपने ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए कि मेरे को FTP सर्विस ब्लॉक करानी है और HTTP चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो आप तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो ना अपने नेटवर्क में, तो आप वो फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए क्या करोगे, एक्सटेंडेड ACL का यूज करोगे, स्टैंडर्ड ACL ना यूज क्या करोगे, एक्सटेंडेड ACL यूज करोगे, ठीक है। सेकेंड टाइप की ACL कौन सी थी, एक्सटेंडेड ACL। उसमें पता है क्या फायदा है, उसमें ये फायदा है,
एक्सटेंडेड एसी में क्या फायदा है, आप फिल्टर कर सकते हो ऑन सोर्स आईपी। भाई सोर्स आईपी क्या है, अगर इस सोर्स आईपी से आए तो ड्रॉप हो जाए। डेस्टिनेशन आईपी क्या है भाई, डेस्टिनेशन आईपी ये हो अगर इसको जाए किसी डेस्टिनेशन को तो ड्रॉप हो जाए। सोर्स पोर्ट नंबर भी आपके पास, अगर इस पोर्ट नंबर से कोई ट्रैफिक आए तो ड्रॉप हो जाए। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी है, हर एक सर्विस के पोर्ट नंबर होते हैं ना, तो पोर्ट नंबर के पास भी आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो ये मल्टीपल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं कहाँ पे, एक्सटेंडेड एसीएल में। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक कर सकते हो। आप नहीं चाहते कि एफटीपी एक्सेस हो, आप चाहते हो एचटीटीपी एक्सेस, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या था, सारी की सारी सर्विस को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आप एडमिन खुद बताएगा कि क्या ब्लॉक करना है। भाई एफटीपी ब्लॉक करना है, टीएफटीपी ब्लॉक करना है, एचटीटीपी ब्लॉक करना है, डीएनएस ब्लॉक करना है, क्या ब्लॉक करना है, एक्सटेंडेड एसीएल में आप खुद बताओ। ठीक है, और ये कहाँ लगती है, नियर टू द सोर्स, नियर टू द सोर्स अप्लाई होती है। जैसे वो डेस्टिनेशन पर अप्लाई होती है, ये कहाँ होती है, सोर्स, सोर्स के नजदीक अप्लाई होती सोर्स के नजदीक। ऐसे ही इसकी भी एक रेंज होती है, रेंज अभी मैंने डिस्कशन नहीं किया है, 99 तक है, ये 100 से लेके 199 और 2000 से लेके। देखो रेंज क्या है, ये एक लिस्ट है, तो लिस्ट का कुछ ना कुछ नंबर होगा, तो इनके रेंज डिफाइन की हुई है। अगर आप लिस्ट का नंबर 1 दोगे, 1 से लेके 99, तो स्टैंडर्ड एसीएल को फॉलो करेगी। इसमें जो रूल बनाओगे ना, लिस्ट बनाओगे, अगर लिस्ट में आपने एक रेंज दोगे उसको, अगर रेंज का आपने जो रेंज अपने 1 to 99 या फिर ये वाली रेंज दे दी, ठीक है, तो आपने ये वाली रेंज दे दी कौन सी, 1 to 99, 1 to 99 या 1300 to 99, 1999, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड एसीएल फॉलो हो जाएगी। ठीक है, राउटर ऑटोमेटिक समझ जाएगा, राउटर को पता है। ठीक है, राउटर को आप ये नहीं बताओगे कि भाई मैं स्टैंडर्ड एसीएल बना रहा हूँ, राउटर के आईएस में ऑलरेडी डिफाइन है 1 to 99 स्टैंडर्ड एसीएल होती है, और 100 से लेके 199 क्या होती है, एक्सटेंडेड एसीएल होती है, उसको ऑलरेडी पता है। आप खाली ये बताओगे मैं इम्प्लीमेंट ये कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको ये पता ही लग गया। और इसमें देखो पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करा सकते हो, ये बड़ा एडवांटेज, पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करा सकते हो, और ये भी बड़ा एडवांटेज है कि सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, इतने सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल है, और ये नियर टू द सोर्स सप्लाई होती है। कहने का क्या मतलब है, मतलब जैसे आप यहाँ R3 पे लगा रहे थे ना डेस्टिनेशन के नजदीक, आपकी बार क्या करोगे, R1 पे ही लगा दोगे एक्सटेंडेड एसीएल, R1 पर ही लगा दोगे, उससे कुछ ब्लॉक नहीं होगा। देखो उससे क्या, उससे क्या होगा ये भी देख लो, ये R1 था, ये R2 था, और ये R3, यहाँ पे एक स्विच था, एक सर्वर है 30.100, और यहाँ पे मल्टीपल लैन यूज होता है। ऐसे ही इधर भी स्विच है 10.1 10.2। मैंने बताया था कहाँ लगती है, सोर्स के नजदीक। सोर्स कहाँ है इसका, सोर्स 10.1 है, इसके नजदीक कौन सा राउटर है, R1, R1 पे लगेगी। ठीक है, तो R1 पर आप क्या लगाओगे, कि आपका टारगेट क्या है, 10.1 से ये 30.100 ये रीच ना कर पाए, और 10.2 है 30.100 ये रीच कर ले, कोई दिक्कत नहीं।
आप राउटिंग आईपी राउटिंग तो आप कराओगे स्टार्टिंग में, फिर क्या करोगे आरआरएन पे, आप क्या करोगे इन डायरेक्शन में, फिर आउट डायरेक्शन में क्या करोगे, कोई भी डायरेक्शन पकड़ लेना इन या आउट, ठीक है। मैं अभी इन पर देख लेता हूँ, यहाँ पे एक एसीएल बनाओगे, एक्सटेंडेड एसीएल बनाओगे, और उसमें क्या डिफाइन करोगे सोर्स आईपी के, अगर सोर्स ये है 10.1 है, डेस्टिनेशन क्या है 30.1 है, तो क्या हो जाए डिनाइंग, ठीक है। जब इन हो, जब आरवन के पास इन को तो ट्रैफिक इन आए कहाँ से, 10.1 के, 10.1 से आए और जाना कहाँ हो 30.100, ठीक है। अब की बार क्या होगा, आरवन के पास पैकेट आए 10.1 से, ट्रैफिक जनरेट होगा एंड, और ये देख लेगा 10.1 से आया है और 30.100 को जा रहा है, मेरे पास एक एसीएल लगी हुई है तो मारो ब्लॉक, ठीक। आपकी नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 10.2 रीच करना चाहता है 30.100 को, तो ये किसके पास जाएगा, आरवन के पास जाएगा, और 10.2 के लिए वहां पे कोई रूल है ही नहीं, ठीक है, 10.2 तो अलाउड है, वहां कोई रूल ही नहीं है, तो ये क्या करेगा आगे उसको क्या कर देगा, प्रोसेस कर देगा, आगे पहुंचा देगा, कोई दिक्कत आई यहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा उसको, ठीक है। एक्सटेंडेड एसीएल आप R3 पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, उसको कहीं भी लगा, लेकिन प्रेफर कहाँ किया जाता है, नियर टू द सोर्स। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, हाँ इम्प्लीमेंट कराना। चलो ये दो, तो ये दोनों ही सीएल देख लेते हैं, पहले इन दोनों की लैब देख लेते हैं, बाद में हम कौन सी करेंगे नेम पे सीएल पर, ओके। और हाँ, इन जो ये एसीएल है ना, इनका एक रूल होता है, इनका क्या रूल होता है, इनका रूल होता है बाय नेचर डिनाई करने का। अगर आप किसी को, एक को ये बोलोगे ना मन से कि भाई ये डिनाई करना है, ठीक है, आप एसी राउटर पे जाके एसी में बोलोगे ना ये आपको डिनाई करना है, तो एसी क्या करेगी, सारे एक सारे नेटवर्क पर कर देगी, परमिट नहीं करेगी, उसको रोक देगी, यहीं फिल्टर करा देगी सबको, सारे ट्रैफिक को, लेकिन जो आपको तो पर्टिकुलर आपने डिनाई करा दिया, लेकिन बाकी के तो अलाउ होना चाहिए, तो आपको बोलना पड़ेगा जो रिमेनिंग ट्रैफिक है उसको क्या करते, परमिट करते, क्योंकि तो इसका बाय डिफॉल्ट नेचर कैसा होता है डिनाई करने का, इसलिए डिनाई करता है सभी को, अगर आप एक बार डिनाई करोगे तो सबको डिनाई करते, लेकिन जो रिमेनिंग बचे हैं उनको तो परमिट कराना है ना, तो आपको बोलना पड़ेगा परमिट, कमांड देनी होगी अलग से, ओके। चलो एक लैब देख लेते हैं, इसका फॉन्ट पढ़ा लेता हूँ थोड़ा, ब्लैक ब्लैक हो गया था।
मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ सबसे पहले तो। R1, और इसका भी होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ सेकंड वाले का R2, और R3 का भी मैं होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ। आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ सबसे पहले तो। अच्छा इंटरफेस नहीं दिख रहा इधर, कौन सा इंटरफेस? अच्छा वहीं जाना पड़ेगा प्रेफरेंस पे। आ गया ना, ठीक है 1-0 बच गया। इंटरफेस 0/0 इसको नो सेट कर दो, और आईपी एड्रेस 12.1.1 सबमिट मास्क पे। वैसे ही 1/0 ही है, आईपी एड्रेस 10 वाला चल रहा है, इसको मैं दे रहा हूँ 10.1 100 दे दिया इसको, ठीक है गेटवे को नहीं बन ही दो सर्वर को भी रखता हूँ। ठीक है जी, R1 की मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दी IP की। अब एक काम करता हूँ, R2 पे क्लिक कर देता हूँ। इंटरफेस 1/0/0 नो शट, आईपी एड्रेस 12.1.2 ऐसे ही। दूसरा इंटरफेस है 1/0/1, आईपी एड्रेस 20.1.1 नो शट, ठीक है। R2 पे भी दोनों आईपी की कॉन्फ़िगरेशन डन हो गई, R3 पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर दो। राउटर सॉरी इंटरफेस 1/0/0 नो शट, आईपी एड्रेस 20.1.3 और एक और इंटरफेस है 1/0/1, आईपी एड्रेस 30.1.1। तो मैंने तीनों राउटर के सारे इंटरफेस पे क्या कर दिया, आईपी की कॉन्फ़िगरेशन। इतना किसी को डाउट तो बताओ, इतने में किसी को डाउट नहीं सर, क्लियर। ठीक है, अब क्या करते हैं, चैप्टर को क्या देते हैं, आईपी एड्रेस। लैपटॉप को आईपी कैसे देते हैं बताओ मेरे को। बताओ स्विच के थ्रू। तो इसके राउटर पे एक सर्वर बना दो ना, DHCP सर्वर बना दो यार। मैं क्या मैनुअली खींच, मैनुअली टाइम नहीं रहा मैं तीनों को देने में, ठीक है। तो एक काम करो, आईपी DHCP पूल बना लो एक, ठीक है, और नाम दे दो सक्सेस को। DHCP बताया था ना स्टार्टिंग में, पूल बना दिया मैंने R1। और नेटवर्क कौन सा चल रहा है भाई, 10 वाला, 10 वाले का है ना, 10.1.1। तो इसका सबनेट मास्क ये देना, और एक क्या देना था, गेटवे और देना था डिफॉल्ट राउटर, गेटवे 1.10.1 ठीक है। बस ये कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे ही
आर थ्री पे भी एक डीएचसीपी सर्वर बना लो। आईपी डीएचसीपी पूल सिस्को के नाम से ही बना देता हूँ, और नेटवर्क और 10.30 वाला 30.1.1.0 सब नेट मास्क और डिफॉल्ट राउटर 30, ये गेटवे हो गया। और इसमें ना मैं सर्वर के 30 ये अपना सर्वर को मैं 30.1.100 रखूँगा। तो आप ऐसे इसको ये खैर 100 किसी को नहीं देगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इसे एक्सक्लूड भी करा सकता हूँ, ठीक है। ये आईपी किसी को मत दिए, मेरे सर्वर की आईपी है। एक्सक्लूड एड्रेस कौन सा 30.1.1. ये मैं स्टैटिक डालूंगा 100। बस ठीक हो गया। बस अभी काम करो लैपटॉप पे जाके। अभी 10.2 इसको भी डीएचसीपी की जरूरत है। ये भी डीएचसीपी के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आईपी मिल गई। ऐसे ही इस वाले सिस्टम को भी देखो, ग्रेट मिल गया आईपी। इसको मैं स्टैटिक दे देता हूँ, ठीक है। डायनेमिक दे देना जैसा आपको मन करे। मैं स्टैटिक दे देता हूँ 30.1.100 255255250 और इसका गेट भी कौन है, और ये क्या हो गया। ठीक है। अभी देखो, अभी तो ये पिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 30 वाला चल रहा है, यहाँ पे 10 वाला चल रहा है। पिंग करके देख लो, कुछ कमांड प्रॉम्प्ट में जाते पिंग 30.1 गेटवे नहीं मना कर दिया तो भाई मेरे पास राउट ही नहीं है। गेटवे के पास गया तो था पूछने के लिए, लेकिन उसके पास राउट ही नहीं है। 10 वालों को पिंग करना, 10 वाले हो जाएंगे क्योंकि सेम नेटवर्क में, उसको नेटवर्क से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई राउटिंग की जरूरत नहीं है भाई इस नेटवर्क में ना। ये तो आपस में पीसी आपस में पिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले पीसी एक ही नेटवर्क में है, हमें तो डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेट करने के लिए राउटिंग कराने की जरूरत पड़ती है, तो कराओ फिर। इसके बीच में क्या करता हूँ, EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। R1 पे चलते हैं सबसे पहले तो। राउटर EIGRP 100, ठीक है। नेटवर्क कौन सा चल रहा है, 12 वाला है इसको, और कब क्या वाइल्ड कार्ड मार्क्स का, ठीक है जी। नोट समझ। और एक और है कौन सा, 10 वाला 10.1.1.0.0.0.0.2। ऐसे ही R2 पर आओ। राउटर EIGRP 100, नेटवर्क कौन सा है, 12 वाला। ये इसका वाइल्ड कार्ड मास्क हो गया। नेटवर्क 23.1.1.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक है। नोट सेम एज इट इज। R3 पर आओ। राउटर EIGRP 100, नेटवर्क कौन सा, 23.1.0 और 0.0.255। नेबरशिप भी आ गई। एक और रह गया 30 वाला 30.1.1.0
तो आर टू के दो नेबर आ गए होंगे, देख लो तो फिर कमिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। शो आई पी ये पी नेबर, ये देखो दोनों नेबर, ठीक है। तो मतलब हमारी तो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन डन हो चुके हैं, ई एच आर पी का नेबरशिप भी दोनों अब आ चुके हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ठीक है हमारी ई एच आर पी। तो अभी यूजर क्या कर लेंगे, पिंग कर लेंगे। अब तो राउटिंग होगी ना, अब तो आर वन के राउटिंग टेबल में देखना 30 वाले राउट आ गए होंगे शो आई पी राउट। ये देखो EIGRP की हेल्प से आ गया, EIGRP की हेल्प से 30 वाले राउट्स। अब जो ये लैन यूजर है ना, पिंग कर लेंगे अभी, ये लैन यूजर है अभी एक सर्वर को भी पिंग कर लेगा 100। रिप्लाई आएगा, आर्प वगैरह का वेट करेगा, ये देखो ठीक है रिप्लाई आने लगा है सर्वर के साथ, सर्वर को भी रीच कर लेगा। देखो अगर आप इसको HTTP सर्विस भी है आपके पास, इसमें ऑप्शन होते हैं कुछ, देखो वेब ब्राउजर, अब इसमें ब्राउजिंग करना चाहो ना वो भी कर लोगे। क्या है सर्वर की आईपी क्या है 30.1.100, यही तो थी। ये देखो ये एक वेबसाइट खुल गई, ये मैंने आईपी डाली इसमें, ये मुझे ओपन करके देख लिया, मतलब सर्वर तक रीचेबिलिटी है मेरी HTTP लिखा हुआ, ओके। और ये यूजर भी आपस में पिंग कर लेंगे 30 वाले, किसी को भी पिंग कर ले देंगे। ये देखो रिप्लाई आ, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ से भी रिप्लाई, यहाँ से भी पिंग करके 30 से पिंग करके देख तो कर लो पिंग 10.1.1.2। ये देखो पिंग हो रहा है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड टू एंड पिंग हो रहा है। आपकी आपकी बार कंडीशन आपने क्या हुई, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट कैसी आती कि यहाँ पे सर्वर की आईपी क्या देखने का, इस डेस्कटॉप की 10.2 की जो 10.2 है ना, ये 30.100 को रीच ना कर पाए, 10.2 सर्वर को रीच ना कर पाए, ठीक है। देखना अभी कर रहे गए, अभी तो कर रहे हैं, वेब ब्राउजर पे गए, क्या बनाओगे, KCL बनाओगे तो बनाओ एक्सेस लिस्ट, ठीक है। ये देखो अभी इसमें ये सिस्को पैकेट ट्रेस में देखो 1.299 किसकी है, स्टैंडर्ड की जो मैंने दिखाया था आपको, और एक्सटेंडेड की क्या है 100.2.199। और एक इसके अलावा दूसरी भी होती है ये 13.2.199, ये 1.999 ये दिखा नहीं रहा है, ठीक है। वो शायद आपको GNS3 में दिखा देगा, तो मैंने 1 दे दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो डिनाई करना है, परमिट करना है, ये भी आप कर सकते हो, डिनाई कर दिया आपने। अब डिनाई किसको करना है, R3 पे किसको डिनाई करना है, ये सर्वर के लिए 10.2.1, ठीक है 10.2.1 को, 10.1.2.1 को, ठीक है ये डिनाई करना है। इसमें होता क्या है, किसी एक को डिनाई करोगे तो सारे डिनाई हो जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमिट एनी, बाकी जो रिमेनिंग बचे उनको क्या करना पड़ेगा, परमिट करना पड़ेगा। अब ये रूल तो बन गया, अब इसको अप्लाई भी तो करना है, ठीक है अप्लाई भी करना है। अप्लाई कहाँ करोगे, इंटरफेस से, क्योंकि इंटरफेस से एग्जिट होगा ट्रैफिक, तो इन गिग 0/1 तो क्या करोगे, इसको अप्लाई करोगे आईपी एक्सेस ग्रुप, ठीक है। इसको कैसे बुलाओगे, आईपी एक्सेस ग्रुप कौन सा फॉलो करे, 1, ठीक है। इंटरफेस में जाओगे, एक एक्सेस लिस्ट बनी है, एक्सेस ग्रुप एक्सेस लिस्ट बनी है, कौन सी 1, इसको फॉलो करे, लेकिन कब, इन डायरेक्शन में आउट डायरेक्शन में, जब ट्रैफिक क्या हो इन, यहाँ से क्या हो आउट, ट्रैफिक क्या हो आउट, ठीक है। R1 था, R2 था, R3 था, यहाँ पे स्विच था, यहाँ पे, ठीक है।
ट्रैफिक यहाँ से जाएगा तो ट्रैफिक ऐसे तो आएगा, यहाँ से क्या होगा ट्रैफिक ऐसे आउट होगा ना, तो मैंने ये लिख दिया जब भी यहाँ से आउट होगा कौन सा 10.1.2.1 तो क्या हो जाए ब्लॉक हो जाए, ठीक है आउट होने के लिए आएगा तो क्या है ब्लॉक हो जाए। बार क्या करना है आपको एक्सेस लिस्ट तो बना ली, अब क्या करोगे अच्छा इंटरव्यू पे भी आपने अप्लाई करा दी, अब तो शो कैसे करोगे शो एक्सेस लिस्ट, ये देखो कौन सी एक्सेस लिस्ट बनी है आपकी वन, और देखो ऑटोमेटिक ये चीज ऐड होगी 10 20, ये के सीक्वेंस नंबर है किसके रूल्स के, ये रूल्स के सीक्वेंस नंबर ऑटोमेटिक आ जाते हैं 10 10 के गैप में, आपने एक रूल बनाया 10 बनाएगा फिर आपने दूसरा रूल बनाया सारे परमिट का तो इसको 20 से डिनोट हो गए 10 10 का गैप होता है सीक्वेंस नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है आपकी बार पिंग करना है इसका पिंग 30.1.100। क्या हो गया सब एटीएम को रुपए बनी है नहीं शो एक्स लिस्ट बन दोबारा बनाओ इसको एक्सेस लिस्ट वन डिनाई करना है कि इसको 10.1.1.2 ठीक है ये है, एक को डिनाई करोगे सारे डिनाई हो जाएंगे परमिट एनी, सारे डिनाई का क्या मतलब है ये भी नहीं आ पाएंगे जो बाकी के 1.3 1.4 है ये मैं आपको दिखा दूंगा अभी, और इस इंटरफेस पे तो दोबारा अप्लाई करो क्योंकि हमने डिलीट कर दी थी 0/1 आईपी एक्सेस ग्रुप कौन सा एक्सेल है 1 कब जब आउट हो, ठीक है अब की बार पिंग करना देखो लाइसेंस नोट अनरीचेबल अनरीचेबल आ गया, और यहाँ से पिंक करना जो बाकी के दो यूजर है देखो यहाँ से पिंक हो रहा है ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आर थ्री ने क्या किया ये देखा सबसे पहले डेस्टिनेशन देखी डेस्टिनेशन किसके लिए 30.100 के लिए आ रहा था पैकेट, ठीक है राउटिंग टेबल लुकअप करी फिर उसने एग्जिट इंटरफेस ढूंढा ये देखो शो आईपी राउट ठीक है 30.100 के लिए कहाँ पे गया था ये भाई इस वाले 0/1 से एग्जिट हो जाओ, फिर उसने देखा 0/1 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है ठीक है 0/1 पे कॉन्फ़िगरेशन पे एक एक्सेस लिस्ट है तो उसने वो फॉलो की, और उसे सीएल में क्या था कि 10 जो अगर इस ट्रैफिक इस सोर्स से ट्रैफिक आए 10.1.1.2 से तो क्या हो जाए फिल्टर ब्लॉक हो जाए, ठीक है वो क्या हो जाए ब्लॉक हो जाए डिनाई हो जाए क्योंकि ट्रैफिक अलाउड ही नहीं है, तो यहीं की ट्रैफिक क्या करती है डिनाई करती है, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ ये सर्विस तो आपने ब्लॉक कर दी 30.1.100 के लिए, लेकिन ये जो बाकी के ना ये भी पिंग नहीं कर पाएंगे यहाँ, तो पिंग करना भी 1.2 से ही देखो ये भी पिंग नहीं कर
1.2 भी पिंग नहीं कर पा रहा, ठीक है, जो लैन यूजर है ये भी पिंग नहीं कर पा रहा, ये पिंग नहीं कर पा रहा, ठीक है। और लेकिन ये R2 या फिर R3 का जो वाला इंटरफेस है ना, यहाँ तक तो पिंग कर पाएगा, लेकिन यहाँ से जब वो बाहर होगा ना, बाहर ये वाले इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया को पिंग नहीं कर पाएगा, इन बाकी सबको पिंग कर लेगा, R2 को पिंग कर लेगा, पिंग कर देख पिंग 12.1.2, देखो इसको भी पिंग कर रहा है, ठीक है, पिंग R3 का फिजिकल इंटरफेस को भी पिंग कर लेगा, लेकिन जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो वो अलाउड नहीं, ये टेस्ट है मेरे, क्लियर है। हाँ जी, यस सर। अच्छा यहाँ से भेज नहीं पाएंगे मैसेज, ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और सेंडेड एंड इस नेम रिसीव मत करना, आपको एक टैप कर लेना, खुद से टैप करना लेकिन इन दोनों में भी एक प्रॉब्लम है, फिर हम नेम डालता है हमारा, ठीक है, वो हम कल देखेंगे क्या प्रॉब्लम थी इसमें।